तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या है कि देखो, ए पार्टिकल है मास से हम ऑब्जर्व फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या होता है यार? जनरली हम ग्राउंड को इनर्शियल ले लेते हैं, बिकॉज अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम। सो अगर ये ऑब्जर्वर ए है जो कि ग्राउंड पे है और इस मास को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको ये मास सर्कल में आर रेडियस के यहाँ से एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है? तो मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से इसको जाता हुआ सर्कल में नजर आ रहा है। तो कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट, ये के अकॉर्डिंग कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सबसे पहले देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, ठीक है ना? सूडो फोर्स वह फोर्स जिसका सोर्स ही नहीं पता है कौन लगा रहा है, ठीक है? तो चलो, बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है ए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी जो बॉडी ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस पे लगाया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है भाई, उस ऑब्जर्वर के फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे तो देखो, इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सिंपल सी बात है, इनर्शियल फ्रेम से अगर देखोगे तो सूडो फोर्स जीरो होता है, तो डी ऑप्शन सही है। बट कैसे जीरो हो गया, उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं मैग्नीट्यूड फिर से एक बार समझ लो। मैग्नीट्यूड क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? मास ऑफ द बॉडी, वो बॉडी जिस पे लगाया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई फ्रेम, वह ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अपने फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, बराबर है? किसका फ्रेम? ऑब्जर्वर जो लगा रहा है, ठीक है? और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो अगर इस इन सब की मैं वैल्यू रखूँ तो आपको सच में पता चलेगा कि सूडो फोर्स मास ऑफ द बॉडी ए है, और ये जो ऑब्जर्वर, ये अपना फ्रेम, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो जीरो है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? तो लीनियर वेलोसिटी इसकी जीरो है, ओमेगा जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर, ठीक है? और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको ए ले लो या आर जो भी है ले लो, ना ले लो, तो कुल मिला के जीरो। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जीरो आ जाएगी। बट बाई द ऑब्जर्वर टू, बाई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर टू जो है मतलब बी वाले से अकॉर्डिंग, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मल्टीप्लाइड बाई अपने फ्रेम का ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आएगा, परपेंडिकुलर अवे, ठीक है ना? मतलब कुल मिला के अभी अगर बहुत सिंपल बात करो तो सेंटर से दूर आएगा और इस डायरेक्शन में इधर आएगा, ठीक है? और इतनी मैग्नीट्यूड का आएगा। ये जो ऑब्जर्वर, ये बी वाला ऑब्जर्वर है, इसके अकॉर्डिंग तो सूडो एम ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है? लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो सूडो है वो जीरो आएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कैसे आएगा और क्यों आएगा, ठीक है ना?